अभी ये पकड़ा ही देगी तो मैं इसको उतारूंगा। रुक जा रुक जा रुक जा। तो भाई साहब ये जो है डर के आवाज़ें निकाल रहा है और ये गर्म भी हो रहा है भाई, ये गर्म हो रहा है, यानी कि पता चल चुका है कि इसको बुखार है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक आज के न्यू व्लॉग में। और भाई साहब सुबह सुबह क्या देख रहा हूँ, कोई एक्टिविटी हो रही है यहाँ पर। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लो क्या एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे। हाँ भाई ये देख लो। अरे यार वो तो जो हमारी डक है वो फंसी हुई है, देख लो। तो इसका फ़ायदा उठा रहा है टर्की बर्ड, जो कि इसको मार भी रहा है, ये देख लो। वो देखो भाई, सुबह सुबह जो है ना हमारी डक फंस चुकी है, और ये देख लो टर्की बर्ड मारने के चक्कर में इसको। वो देखो अरे पकड़ा ही दे तो मैं उतारूं इसको। अभी ये पकड़ा ही देगी तो मैं इसको उतारूंगा। रुक जा रुक जा रुक जा। भागने के चक्कर में लगी हुई है तो मैं कैसे पकड़ूं इसको भैया, भागने के चक्कर में लगी हुई है, रुके तो मैं पकड़ूं ना इसको। आराम से रुक जा, तेरी मदद करने के लिए आया हूँ। अरे तेरी मदद करने के लिए आया हूँ भाई, क्या हो रहा है यार। फाइनली डक को मैंने उतार दिया और बड़ी मुश्किल से उतारा भाई। कैमरे को बंद करना पड़ा, कोई है नहीं था जो कैमरा मैं लगा सकता, तो फाइनली डक को मैंने आज़ाद कर दिया और अब देखो मज़े से यहाँ पर घूम रही है, ये देख लो अब फ्रेश हो गई है। अभी भी उसको लग रहा है कि मेरे पे कुछ बांधा हुआ है, देख लो अब वैसे चल रही है। टर्की बर्ड उसको मारने के चक्कर में था, देख लो टर्की बर्ड मौके की तलाश में रहता भाई, कोई ना कोई परिंदा जकड़े में आए और उसकी धुलाई कर दो। अभी भाई मैं बाइक का नीचे से थोड़ा सा मसला था तो मैं औजार लेने आया सुबह सुबह, औजार मैंने यहीं पे रख दिए, देख लो औजार इधर के इधर ही रह गए, मैं इनको बचाने के लिए चला गया। तो भाई साहब मैंने बचा लिया, तो अगर नहीं देखता तो पता नहीं कितने टाइम तक ये ऐसे ही रहती। भाई साहब आज हमारे पीकॉक ने ना कुछ खाया भी नहीं है और बीमार लग रहा है यार, पता नहीं उसको क्या है यार। ये देखो मुझे लग रहा है कि आज ये बीमार है, इसने कुछ खाया भी नहीं है, कुछ भी नहीं पिया, ये देखो बैठा है, कुछ भी नहीं खाया यार। इसको आज कोई मेडिसिन वगैरह दे देता हूँ ताकि ये फिट हो जाए, बिल्कुल भी नहीं खाया इसने। वो देखो चल भी ढीला रहा है, वो देखो बिल्कुल ढीला चल रहा है, ये देख लो बीमार है यार आज, पता नहीं इसको क्या हुआ यार। भाई साहब दाना वगैरह फीड मैंने उसको डाल दिया है, बीमार है, खा भी नहीं रहा, बड़ी मुश्किल से अभी फीड खाना शुरू किया उसने माशाल्लाह से। और बाकी जो पेट्स हैं यानी कि बाकी जो कबूतर हैं और दूसरा वाला जो मोर है उसको मैंने बाहर निकाल दिया है, आपको दिखाता हूँ। वो देखो माशाल्लाह से वो अंदर खा रहा है और बाकी के सारे ना मैंने बाहर निकाल दिए ताकि उसको डिस्टर्ब ना करें, ये उसको मारते हैं भाई। तो उसने ना कुछ खाया ही नहीं है सुबह से, तो बीमार लग रहा है यार, सर्दी भी इसको लग रही है, अभी कुछ ना कुछ दवाई वगैरह उसको ना पकड़ के दे देंगे। भाई साहब अभी हम दवाई दे रहे हैं और पैनाडोल हमने ड्रॉपर में डाल रखी है, डॉक्टर साहब को बुलाया और अभी ये पैनाडोल का इंजेक्शन हमारे मोर को लग जाएगा। और मोर को सबसे पहले हम पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद इसको इंजेक्शन लगाते हैं। ये देख लो पहली बार भाग के आ गया, ये देख लो, लेकिन पकड़ना हमने इसको है, इस वाले को। तो पकड़ने के लिए सबसे पहले हमें अंदर जाना होगा और ये ज़ोर बड़ा, ये देखो ये सारा ना इसने किया, ये इसका मैदा ख़राब है, तो इसने जो बीट है वो, डॉक्टर साहब अंदर ही आ चुके, मुझे लग रहा था कि इसको बाहर लेके जाऊंगा। आ जा कुछ नहीं हुआ। अरे यार इसने तो जाली के साथ टक्कर मारी है इतनी ज़ोर से,
बहुत डरता है यार ये तो, इधर आ, इतना भी नहीं डरना चाहिए ना, रुक जा, जाली के साथ टक्कर मारी है इसने इतनी जोर से, इसको अब डॉक्टर साहब इंजेक्शन ठोक दो, रुक। तो भाई साहब ये जो है डर के आवाज़ें निकाल रहा है और ये गर्म भी हो रहा है भाई, ये गर्म हो रहा है यानी कि पता चल चुका है कि इसको बुखार है, और अब इसको हम देते हैं मेडिसिन, और मेडिसिन के लिए मोबाइल में रख देता हूँ यहाँ पर, ये रख दिया भाई साहब, और इधर आ जाओ डॉक्टर साहब। अबे मार क्यों रहा है, अरे यहाँ ये देख लो भाई, देख लिया भाई इसका, देख लो क्या हाल हो रहा है, पानी की तरह ये पेशाब कर रहा है, देखा काला वो भी, बस इसको वही हुआ यार, मुझे पता लूज मोशन मुझे पता लग गया इसको क्या हुआ भाई, इसने दाने खाए थे ना, दानों की वजह से इसका मैदा ख़राब हो चुका है, और अब इसको इनको ना दाने कभी भी नहीं देने, ये दानों का ही मसला है, लूज मोशन हो रखे हैं इनको, इसको जो मैदे का सिरप है ना वो भी कहीं देना पड़ेगा भाई, इसको लूज मोशन हो रहे हैं इसीलिए ये बीमार हो रखा है। इधर दवाई ले ले, थोड़ी सी दवाई ले ले यार, बस बहुत है, ये दवाई इसको दे दी है, अबे रुक जाना, अभी इसको वो देख लो, ये देखो यार कितने कर रहा है यार, फिर कर दिए यार इसने, अभी पता नहीं यहाँ पे नजर आ रहा है यानी, फिर इसने कर दिए, ये देखो और कर दिए भाई इसने, अरे ये क्या कर रहा है ये, जा जा भाई, लूज मोशन कर रहा है ये, और इसको मैदे की भी यार कोई मेडिसिन वगैरह देनी चाहिए, जैसा कि फ्लैजल वगैरह हो गया या कुछ इस तरह की मेडिसिन इसको देनी चाहिए, ये तो डॉक्टर साहब ने दे दिए, अभी हम मैदे की भी लेके आएंगे, वो भी देंगे इसको, इसको ये वाला इंजेक्शन तो लग गया, अब मैदे वाला भी लगाएंगे। दूसरे मोर को हम ढूंढ के फाइनली अभी पता चला कि वो बाहर निकल चुका है, वो देख लो कहाँ घूम रहा है यार, हम अंदर ढूंढ के इसको परेशान हो गए थे, लेकिन ये नवाब का बच्चा बाहर घूम रहा है। तो भाई साहब ये है फ्लैजल का इंजेक्शन, और ये डॉक्टर साहब के पास है, ये क्या लग रहा है आप लोगों को बताओ भाई, अंदाज़ा लगाओ, ये है पेप्सी, ओह सॉरी पेप्सी नहीं, पत्ती, और इस पत्ती को फौरन जो है ना पेचस का मोशन का लूज मोशन किसी भी डाई पे, इंसानों को तो आराम आ जाता है, अब प्रैक्टिकल इस पे करते हैं कि इसको भी इंशाल्लाह ताला आराम आ ही जाएगा। चल मुंह हिला थोड़ा आगे कर, अब हम इसको ये पिला दे थोड़ा सा, चल हाफ हाफ पहले फ्रिज में से, बस 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 बहुत 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 है, अब माशाल्लाह से ये ठीक हो जाएगा सुबह तक, चल ऊपर जाके बैठ गया आराम से भाई साहब, अब इसको मैंने दे दिया है, अब वो देखो खांसी कर रहा है, क्योंकि पत्ती जो है इसको फंस चुकी है, खुश्क थी, निकल जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, आराम से निकल जाएगी, फिर भी 2 मिनट तक मैं देखूँगा। होप कि आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और दुआ कीजिएगा यार ये ठीक हो जाए। अभी मैं 15-20 मिनट बैठता हूँ, वीडियो अभी तक ख़त्म कर दे भाई।